नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। बिहार भाजपा में जो अचानक जोश आप देख रहे हैं कि हम 4,000 सीट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, और तमाम नेता अध्यक्ष सम्राट चौधरी तो कह ही रहे हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं, और तमाम नेता जो है वो कह रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं और भी एक हैं कि अभी तक तो वो पिछलग्गू के तौर पर नीतीश कुमार के रही है, और अचानक क्या भाजपा को हो गया कि वो कह रही है कि हम आगे निकल जाएंगे और इस तरह से सबसे वो जो है, तो इसके पीछे क्या आप ये देख रहे हैं, तथ्य देख रहे हैं, अचानक क्या सब हुआ? क्योंकि अब संघ का भी कहना है कि आप मोदी के चेहरे पर ही आप निर्भर होकर के न रहे, जैसा कि संघ के कुछ मुख पत्रों में निकला इस तरह की खबरें, तो आप किस रूप में इसको देख रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, भाजपा का चरमोत्कर्ष काल अगर नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाले भाजपा को कहेंगे तो टुकड़े टुकड़े में जोड़ करके और फिर आगे बढ़ाना और पार्टी को एक आकार देना और सत्ता राजनीति में भी मुख्य धारा में लाना, तो इसमें तो अटल आडवाणी का योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। और अटल आडवाणी ने बहुत तरीके से कांग्रेस के खिलाफ जो एकजुटता लाई थी वो छोटे छोटे दलों को मिला करके ही, अपने को केंद्र में रख करके, क्योंकि जो वक्त का तकाजा था तो हर एक राज्य में छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर के आना और किसी तरीके से सत्ता में भागीदार होना, ठीक है। इसी प्रयोग में अब तक बिहार भी शामिल रहा है। तो नीतीश कुमार जब जब मुख्यमंत्री बने हों, 7 दिन के लिए बने हों या फिर 5 साल के लिए बने हों, फिर कभी 2.5 साल इधर रहे हो उधर रहे, लेकिन अभी जो भाजपा का अति आत्मविश्वास, इसको कह सकते हैं आत्मविश्वास जो है ना, उसमें और अति आत्मविश्वास में फर्क होता है। अभी जो आप चर्चा कर रहे थे और बताया, अभी जो मुखपत्र उसका है, जो आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर करके जो पत्रिका है, उसमें बताया है कि भाई आप हिंदुत्व और मोदी इन दोनों के सहारे ही चुनावी नैया पार नहीं लगा पाएंगे, आपको इसके इतर भी देखना होगा। तो यह सही भी है कि भाजपा ने जो अभी थोड़ा हम बिहार से हट गए उसका जो बेना था उस पर आ जाते हैं, तो पूरे देश में जो रणनीति अख्तियार की है भाजपा ने, वो भाई आप मुफ्त देने की बात, आलोचना तो दूसरे को कर देते हैं, कभी दिल्ली सरकार के कर दे या कहीं कोई कर्नाटक में कांग्रेस बांट रही है तो उसको कर देते हैं, लेकिन आप भी तो वही स्थिति में है ना कि आप कहते हैं कि 81 करोड़ 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो भाई आप इस ये आप कैसा भारत बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और 81 करोड़ 84 करोड़ लोगों को आप कब तक मुफ्त में अनाज देंगे और क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक आलोचना के स्तर पर हो जाएगी और इसका, लेकिन इसी जो यही जो तरीका है और जो हथियार है उसको तो दूसरा भी इस्तेमाल कर ले रहा है। आज के तारीख में अगर कर्नाटक में कम बीजेपी की हार हुई है और जो भी कारण हुए हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो उसका परिणाम निराशाजनक रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो वही दाव है ना जो बीजेपी का दाव था कि भाई 5 किलो चावल ले लीजिए, बस पर यात्रा कर लीजिए, कुछ कर लीजिए कर लीजिए। आज जो आप केजरीवाल का जो देख रहे हैं दिल्ली में या फिर पंजाब में सरकार बन जाना, दो बातें हैं। वैचारिक स्तर पर आप कहेंगे तो केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसका कोई वैचारिक धरातल तो नहीं है ना, ठीक है ना, कोई नीति सिद्धांत की बात कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो आई और किस तरीके से हो गई सब है, तो तमाम नुस्खे तो वही है जो बीजेपी भी कर रही है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजर ने संकेत दिया है कि आप बार बार जो है एक ही हांडी को नहीं चढ़ाइए ना, कुछ उसको फिर बदल करिए और कुछ नया तरीका अपनाइए। तो आप अब बिहार में इस रूप में देखेंगे तो कुल ना कुल मिला के चला जाता है मामला, आ जाता है ब्रांड मोदी का, ठीक है, और मोदी के नाम का और जो भरोसा है जो पार्टी का, और बिहार में जो जातीय हिसाब किताब देखेंगे तो उसमें भी लग गया कि गिरिराज सिंह है तो सवर्ण से आते हैं, भूमिहार है तो उनका हिसाब किताब है, आपको सम्राट चौधरी को ले आए तो लव कुश का जो नीतीश कुमार का जो फार्मूला था कि उस पर भाई आपको ले आए हैं तो है, फिर आरसीपी सिंह भी आ गए, सब कुछ है,
चिराग आ जाएंगे तो पासवान वोट भी तो जाती है, हिसाब किताब भी देख रहे हैं कि उस हिसाब से है। लेकिन अब यह वोट के रूप में कितना रूपांतरण होगा, क्योंकि गिरिराज सिंह जो कहते हैं, और गिरिराज सिंह की जाति के अलावे उनकी एक मंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में उनका क्या है, कार्य है और नहीं है, और उसका जो मूल्यांकन होना है, और उस तरीके से उनकी छवि जब बनेगी और गढ़ी जाएगी, जब विरोधी उन पर हमला करेंगे, कुछ करेंगे, तो उनकी क्या स्थिति हो जाएगी। तो रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी भी, उनको भी जानने के लिए बिहार के लोगों को कुछ बचा हुआ नहीं है। हम आलोचना के स्तर पर नहीं कर रहे हैं, एक दौर ऐसा आया था, वो लालू जी लालू राबड़ी राज का शासन का समय था, उस समय इनके पिताजी थे, ये भी विधायक बने थे, इनकी माँ भी विधायक बनी थी, संभवतः हमको मैंने अभी जहन से मैंने नहीं, यार माँ भी संभवतः पार्वती या कुछ नाम था, तो मैंने उस समय तो इन पर आरोप लगा था कि नाबालिग है, इनकी सदस्यता जाने तक हो गई थी सब कुछ थे। उसके बाद ही जदयू में गए, आज भाजपा में। तो देखिए जो छवि गढ़ी जाती है ना, अगर नरेंद्र मोदी की जो छवि गढ़ी गई है, जिसने भी गढ़ा हो और जिस रूप में गढ़ा हो, तो उस तरीके से आप तुलना कर लेना सम्राट चौधरी, तो लिबास बदल के आप ऐसी छवि नहीं बना सकते, कुछ कर सकते। तो कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास और बड़बोलापन है। अगर ऐसा नहीं होता और इसको भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं समझता, ठीक है, चूंकि बिहार में जो बयानबाजी का स्तर है और है, इसके लिए इनको छोड़े हुए है दोनों तीनों, जो आप है भाई बोलिए और कुछ करिए, लेकिन जमीन पर अपने को मजबूत करने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए, हर एक जाति धर्म समाज के वोट को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य तो हो रहा है। उसमें चाहे वो चिराग पासवान को लाना हो, या फिर माझी जी को ले आना हो, या फिर आपको सहनी की पार्टी को लाने की बात हो रही हो, या कुशवाहा की बात हो रही हो, अगर सम्राट चौधरी के भरोसे ही भाजपा को विश्वास होता कि नहीं चुनावी नहीं या पार लगाने के लिए बहुत कारगर है, तो फिर कुशवाहा को लाने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। तो इस रूप में भी देखना होगा, और यही जो द्वंद्व है ना, और इनके बरबोला पर चुनाव आते आते कुछ लगाम भी भाजपा अपने शीर्ष नेतृत्व के स्तर से लगाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप इस रूप में देखिए कि अभी अति आत्मविश्वास की बात है, और यही हो रहा है भाजपा में भी, क्योंकि तो साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर आप हैं, बहुत सफल है, आप मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं, आप आ गए, आप अध्यक्ष हैं, कोई गिरिराज सिंह है उसका वोट ले आ देंगे, कुछ करेंगे, तो फिर भाजपा को इतना जोर तोड़ करने की जरूरत तो नहीं होती ना। तो जो नेतृत्व कर रहा है अपने स्तर पर, क्योंकि भाजपा भी अपना अंदरूनी सर्वे वगैरह जो करा रही है, उसमें बहुत तरीके से देख भी रही है, और ये बड़बोलेपन के कारण भी जो कुछ न कहीं कुछ जो निगेटिव जो दिख रहा है उसको उसको भी दुरुस्त करने की बात हो रही है, और इसमें भी आपको जल्द दिखने को इसका भी असर मिलेगा मिलेगा। तो ये जो एक लीडर क्राइसिस जो एक बिहार में दिख रहा है, और पुराने नेता जो भी थे, सुशील कुमार मोदी अनुभवी हैं बहुत, उनका 74 की देन है, आंदोलन की, जेपी आंदोलन की देन है, ठीक है, नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन की देन है, लालू यादव के साथ भी, लेकिन वो पिछलग्गू हो गए। उन पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो पिछलग्गू हो गए, मैंने सरकार में रहते हुए भी बहुत करीबी भी हो गए, बाद में उनको इसी नाते दिल्ली शिफ्ट किया गया। और तमाम जो लीडर हैं तो किसी का कद तो उस रूप में नहीं बढ़ा। और आप देखेंगे कि 1990 के बाद, पहले उसके पहले भागवत झा आजाद थे, भीमदेसरी दुबे, जगन्नाथ मिश्र, ये तमाम लोग कांग्रेस की सरकार थी, एक एक पक्षीय मतलब बहुमत वाली सरकार थी कांग्रेस की। और उसके बाद ये जो सरकार जो 1990 के बाद जो आई है, वो राजद की सरकार तो शुरू में तो ठीक है कि अब बहुमत से आई, लेकिन बाद में उसका भी होने लगा कि वो गठबंधन और इधर उधर सीट जुटाने लगे सरकार बनाने के लिए। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि भाजपा उस दौर में भी, जहां राजद अकेले आकर के भी सत्ता में आ गई, भाजपा अपनी कोई वो प्रखरता और वो मुख्य धारा की पार्टी नहीं बन पाई बिहार में। देखिए बिहार की सत्ता राजनीति में जो आप देख रहे हैं ना, तो जो 90 से पहले जो आप बताए और फिर 90 के बाद की जो स्थिति बनी, भाजपा जिस रास्ते चल रही थी
उसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय स्तर के नेता होंगे, उस समय तो वाजपेयी भी थे और आडवाणी भी थे, सब कुछ था, कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी हुई है। देखिए, जो राजद का जो अभ्युदय है, बिहार के राजद मतलब लालू प्रसाद का अभ्युदय बोलिए, और सत्ता राजनीति के उनके जो नुस्खे रहे हैं, जो लालू प्रसाद के, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साथ में रख के हो, रामविलास जी को साथ में रख के हो, और भी जो भी साथी को साथ में रखा, उस समय झारखंड एक था तो साथ में तो शिबू सोरेन को रखे हो या जो JMM वगैरह को, तो सत्ता में आने के लिए तमाम हथकंडे अपना गए जो लालू प्रसाद ने अपनाया। ठीक है, वो बाहुबलियों की लेने के बात हो, वो जातीय राजनीति का जो हिसाब किताब, उस दौर में क्या हुआ, जो जमीनी स्तर पर और वैचारिक स्तर पर जो पार्टी को मजबूती देते थे, ठीक है ना, और उसको जो विकास, अब उधर में देखे कैलाशपति मिश्रा कहाँ चले गए, बाद के दिनों में उनकी बहू भी आई थी, भी जो की थी, सब कुछ की थी, ऐसे दर्जनों नाम है, ठीक है ना, पुराने अभी आप भागवत आजाद के लड़के थे, कृति आजाद थे, वो लोग है, वो भी चले गए कांग्रेस में, चले गए कुछ, चले गए, तो अभी पुराने तो तृणमूल तमाम में आ लोग गए हैं, जी। अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कृति हाँ, आजाद। तो मतलब भाजपा से दूर अपना इधर उधर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो तमाम पुराने पुराने चेहरों में अब आइएगा तो कुछ हैं, रविशंकर प्रसाद हो गए पुराने में, नंद किशोर यादव हैं, आपको अश्विनी चौबे हो गए, गिरिराज भी पुराने में ही हैं, गिरिराज भी पुराने में है, लेकिन उनका भी जो अभ्युदय हुआ है बहुत, मैंने जमीनी राजनीति में ना, उनको तो साधारण कार्यकर्ता राजद का लोग हराता रहा, उनको तो फुलेना सिंह उन्हीं के जाति के लोग थे और राजद की उम्मीदवारी से उनको हराया था, ठीक है, विधानसभा चुनाव में, वो भी हम दिन उनका देखे हुए, तो ठीक है, अभी की विपरीत बदली हुई परिस्थिति में उनका है, तो हम कह रहे थे कि तमाम जो पुराने लोग हुए ना, वो जो किनारे होते गए, तो उसका जो असर है, और जो नई पीढ़ी जो आई ना राजनीति में, वैचारिक रूप से उतनी परिपक्व नहीं है, और उनके पास सब कुछ जल्दी पा लेने की भी जो बेचैनी होती है ना, वो कहीं ना कहीं कमजोर करता, तो आप नरेंद्र मोदी का जो उभार था और उनके साथ जो BJP का उभार हुआ, तो उस उभार में कहीं लगा कि चलो भाई अब कुछ वैचारिक स्तर की बातें और जो बातें हैं नहीं, उसमें अब इसमें इसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और PM बनने के पहले संगठन में जो उन्होंने काम किया और संगठन के तमाम जो परेशानियां जो समस्याएं होती हैं उन सबको बखूबी दूर करते हुए वहां तक पहुंचे हैं। और इस बिहार भाजपा के नेताओं में यह कमी आपको अगर देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगी। हाँ, वो तो है ना, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो नैरेटिव भी जो सेट है ना, अब सुशील कुमार मोदी को, अब ठीक है, सुशील कुमार मोदी को पिछले लगू का लगा आरोप भी है और वो लोग कहते भी रहे हैं, और उसी आरोप के हिसाब से जो सलाहकार लोग होते हैं वो दे करके और उनको केंद्र की राजनीति में ले जाना, और केंद्र की राजनीति किया, उनको तो एक तरह से हाशिए पर ले जाया गया ना, वो तो पूरा बख्ती राज्यसभा सदस्य ही नहीं है, वो तो रामविलास पासवान की जगह पर है ना, तो उनका भी तो अभी खत्म हो रहा है, अभी कोई 6 साल वाले सांसद नहीं है, राज्यसभा सदस्य नहीं है, उनका भी हमको लगता है कि अब 6 महीना साल भर भी मुश्किल नहीं होगा, खत्म होने वाला होगा उनका कार्यकाल जो है, तो उस हिसाब से वो भी अपने बिहार में सक्रिय होकर के अपना देख रहे हैं, भविष्य कुछ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो देखिए हर एक का, क्योंकि बिहार जो है आप राजनीति के स्तर पर देखे में तो अपरिपक्व तो कभी नहीं माना जाता रहा है, और सत्ता के बदलाव की बात हो या सत्ता विरोधी धारा में बहने की बात हो, तो तमाम बातों का एक बिहार का अपना इतिहास रहा है, तो आप बिहार को पूरे देश के और अलग अलग राज्य जो है वहाँ जो कुछ घटित हो रहा है, तो उस तराजू पर तोल के आप नहीं देख पाएंगे, और भाजपा जिस तरीके से बिहार में और जिस कसम कस के साथ आगे बढ़ी थी, ठीक है, आपके पास से मन कम्फर्ट जोन में आप हैं, तो इस बात को नहीं भूलना होगा कि इस जगह पर आने के लिए अगर नरेंद्र मोदी की या नई भाजपा की अगर भूमिका है तो वहां इसको तक इसको पहुंच, थोड़ा सा और इस रूप में भी देखिए कि आप मध्य प्रदेश में सत्ता में आते हैं और पूरी मेजोरिटी के साथ आते हैं और दशकों यानी कई टर्म में आप वहां शासन करते हैं। आप राजस्थान में भी आते हैं,
तो 5 साल हमने अपनी क्षमता के आधार पर आते हैं। यूपी में तो कहना ही नहीं है, यूपी में तो कहना ही, छत्तीसगढ़ में भी आप आते हैं तो लगातार अपनी क्षमता के आधार पर, बिहार जैसे जो कि नॉर्थ इंडिया ने राज्यों में, बिहार भी एक माना जाता है ऐसा कि वहां पर जो भाजपा की जो अपनी विचारधारा है उससे तमाम जुड़े हुए लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि संगठन का अभाव रहा हो और आपकी तैयारी में कुछ कमी रही जिसका खमियाजा आज की तारीख में भुगत रहे हैं, और आपको सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाना पड़ा है जातीय समीकरण के चलते, और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर भी हो सकता है भविष्य में। रिस्क फैक्टर है। देखिए भाजपा जो की ना, जो अचानक जो जल्दीबाजी जो संगठन के स्तर पर करके और नए लोगों को आगे बढ़ाने की जल्दीबाजी में जो कुछ हुआ है ना, थोड़ा इनको धैर्य की जरूरत थी, समझ रहे हैं ना। और स्थिति हो जाती, आप धीरे धीरे तो देख रहे हैं ना कि वोट जो है, वोट का जुड़ा वो जो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट जो था, जो सवर्णों का वोट जो है, उसमें आप राजपूत बिरादरी को अलग कर दीजिए, तो भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट, सहयोगी के बूते जो दलित का वोट है, तो वो तो आ ही रहा था ना। मुस्लिम का वोट है तो वो तो स्वाभाविक है, उधर है अपना जो है वो तो सत्ता विरोधी, जहां उसको लगा कि हमारी मजबूत स्थिति होगी वहां लोग रहते हैं, तो उसका अपना हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी तो हुई है, और संगठन के स्तर पर भी जो फेरबदल हुआ है उसमें जो पुराने लोग और अनुभवी लोग जो हाशिए पर धकेले गए हैं, तो उसका भी तो असर तो है। नहीं तो इसमें कहीं नहीं है। आप 90 के बाद तो आप मोटा मोटी शासन में थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए तो रहे ही है ना, और सत्ता में आने का मतलब है कि संगठन भी मजबूत होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो जिस हिसाब से नीतीश कुमार अपने को मजबूत किए, चाहे वो जिस तरीके से सत्ता में रहते हुए, उस हिसाब से तो बीजेपी अपने को बहुत मजबूत नहीं कर पाई। तो इसमें कहीं ना कहीं पुराने लोगों को ही दरकिनार करना जो हमको दिख रहा है आज के तारीख में भी। आप सम्राट चौधरी को ला करके और बीजेपी को नेतृत्व देना, ये कहीं ना कहीं है कि बहुत बड़ा, तो क्या बोलते हैं उसको, दाव चलना ही है। क्योंकि सम्राट चौधरी इस रूप में सर्वमान्य नहीं हो सकते, और जो भाजपा का जो वोट है जो जुड़ा है उन लोगों के साथ, उनका बैकग्राउंड भी तो जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है सब है, उसमें भी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की बात होगी, और जिस धारा की बात वो जिस धारा से वो आते रहे हैं, ठीक है। तो भाजपा में आके ऐसा तो नहीं है ना कि कोई साबुन है, कोई मशीन है, तुरंत धो ढा के उनको मैंने साफ सुथरा कर दिए और उनकी पुराने बातें लोग भूल जाएंगे और कुछ करेंगे। तो इस बात को भी तो समझने की, और तो कहीं ना कहीं तो जल्दीबाजी हुई ही है, लेकिन जरूरत तो हो ही रही है ना भाई। आज चिराग पासवान को देखिए ना कि उसी तरीके से वार्ता के टेबल पर नहीं बैठना, या बैठना तो भीतर खाने बैठना आज के तारीख में हो रही है ना बात, की कहाँ सीट की संख्या भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब क्या है नहीं है ये तो जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। तो इस संगठन के स्तर पर तो हुआ ही है ना, क्योंकि तो जो प्रयोग झारखंड में जो करके जो बीजेपी देखी है, तो जो झारखंड में हुआ है तो वही तो कुल स्थिति बिहार में भी है, उसमें कहीं आपने कुछ आपने सही उदाहरण दिया कि बिहार से बेहतर तो प्रदर्शन झारखंड में भाजपा का, एक ढंग से देखे तो हाँ। सरकार की रही 5 साल तो रघुवर दास जी का पूरा शासन काल रहा, फिर उसमें पहले वाले में ये बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा रहे, तो वहां पर भी बेहतर, मैंने बिहार से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है भाजपा का। हाँ भाई है ना, आज 14 में 12 सीटें भी जीता हुआ है सब है, तो स्थिति तो है ही है आज राजनीति के मुख्य धारा में तो है ना। अभी भी बात हो रही है कि भाई अब नहीं हो तो फिर भाजपा की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है, जो सत्ता विरोधी जो स्थितियां बन रही है और जो उनके सत्ता पक्ष के जो मतों का बिखराव होगा, तो उसे बिना कुछ किए धरे भाजपा की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बिहार में तो स्थिति नहीं है ना। आज एक नीतीश के भागने से, नीतीश के साथ जो है तमाम गिले शिकवे भूल करके और उनकी इच्छा के हिसाब से साथ रहना, तो कहीं ना कहीं तो ये दर्शाता है ना कि भाजपा अपनी भी स्थिति समझ रही थी और समझ रही है आज के तारीख में भी, ठीक है। आक्रामक तरीके से नीतीश पर हमला बोल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इत्मीनान तो कहीं नहीं दिख रही है ना। इस बार जो है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ने की बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो भाजपा को तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं भाई, एक बार देखो, अकेले भी नहीं होता है, छोटे छोटे सहयोगी दलों को साथ रख के कुछ सीट दे करके
और अपनी स्थिति सुधारने का कोशिश करो कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए, कुछ करें उस हिसाब से, बजट बनाए और कुछ करें। तो यह तो स्थिति है ही है, और इसके लिए तो अभी भी पुराने, अभी सुन रहे हैं कि और भी पुराने लोग हटाए जाएंगे, कुछ किए जाएंगे, क्या हो रहा है। तो भाजपा के रणनीतिकार क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, लेकिन तस्वीर बहुत जल्द स्पष्ट होगी, क्योंकि इसका जो सर्वे उर्वे जो आ रहा है ना, उस हिसाब से जो उसका सुझाव आएगा, उस पर जो अमल होगा, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, स्पष्ट होगी। एक आखिरी सवाल, जो जो ऐसा लग रहा है कि क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार भाजपा में अंदरूनी कलह है और खींचतान एक कारण रहा जिसके चलते संगठन बहुत मजबूत नहीं हुआ, आपकी दूसरे पर निर्भरता रही, और 18 साल का जो शासन रहा जो नीतीश कुमार का, भाजपा का भी उसमें अगर इंक्लूड कर दें तो वो उपलब्धि नीतीश कुमार की है, और भाजपा व्यक्तिगत तौर पर मैंने भाजपा की कोई उपलब्धि के रूप में देखा जाता है ऐसा नहीं है, वो नीतीश कुमार की उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, भाजपा के साथ आपका शासन रहा लेकिन वो उपलब्धि नीतीश कुमार के खाते में है, आपके उपलब्धि आपके खाते में नहीं है वो उपलब्धि। हाँ भाई, जो आप सुशासन कुशासन की बात करते, तो सुशासन बाबू भी तो नीतीश कुमार ही बने, भले आपके मदद से बने, लेकिन उसका क्रेडिट तो उधर नहीं गया ना, बीजेपी के पास तो नहीं जा रहा है कि सुशासन देने के लिए, भले अब उसको गिराने के लिए इस रूप में कहता है कि मेरे साथ थे तो सब कुछ ठीक था, अब उधर चले गए तो बहुत गड़बड़ हो गया। और भाजपा की अंदरूनी खींचतान तो है ही है। अब देखिए होता क्या है ना, हम तो बिहार में बहुत समय इधर हाल के वर्षों में झारखंड में जो देखे हैं, आप पुराने लोगों को दरकिनार करके और कहीं ना कहीं टिकट वितरण में या फिर संगठन के स्तर पर नेतृत्व देने में, जैसे ही पार्टी में बाहरी लोगों की आमद होती है ना, तो जो पहले से जो लोग हैं वो असहज होते हैं और उनको तालमेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो स्थिति अभी राजद और जदयू में भी हो रहा है, जो भीतर खाने जो हो रहा है, जो 60 के लोग, आप पटना में ठीक है एक सीट जीतने के लिए आप रामकृपाल यादव को ले आए, ठीक है, वो रामकृपाल यादव का आपके पार्टी में आना ठीक है, वो सीट जीत गए, वो मंत्री भी बने, सब है, लेकिन जितना लाभ नहीं हुआ उससे, अंदरूनी रूप से पार्टी को कमजोरी भी हुई है। जो उधर के लोग थे, स्वाभाविक है कि रामकृपाल यादव के साथ जो लोग थे वो सब आ गए, और वो लोग थे तो वो तो राजद लालू परिवार के गिने जाते रहे हैं, सब है, और उन्हीं मन मिजाज के लोग हैं जो होता है, जो कहा जाता है कि भाई, तो तमाम लोग जब उधर आए और भाजपा में जैसे ही वर्चस्व होगा, अब एक मंत्री आ रहा है अगर किसी दल का हो और कुछ हो तो उनके साथ लोग होना, तो जिस आक्रामक तरीके से उनके समर्थक पेश आएंगे, उतना तो पुराने भाजपा के लोग नहीं आएंगे ना, और उनके फिर पीछे जाने का सवाल है कुछ है, तो ये सब असहज तो करता है, तो ही हुआ है। और ये अलग बात है कि जो भाजपा में कुछ करने को, तो रामकृपाल यादव को भी जितना लाभ नहीं हुआ, वो भी अब हमको लगता है कि वो भी भीतर खाने बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे, अब उनका भी लग रहा है कि टिकट उकट कटने की बात हो रही है। तो आप, लेकिन ये 2 टर्म हुआ तो 10 साल तो रहे हैं ना वहां से, तो भाजपा के लोग असहज तो होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पुराने लोगों को साथ रख के संगठन का एक परिवार की तरह है ना, और कहीं देखे शॉर्टकट रास्ता जो होता है ना, वो दूरगामी लाभ के लिए तो नहीं हो सकता। तो भाजपा कहाँ एक सीट से आना, आज के तारीख में इतनी बड़ी पार्टी है, देश पर सब कुछ हो रहा है, तो एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर पुराने लोग ठीक है, कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको निकाल बाहर कर दीजिए, उनको भगा दीजिए, कुछ कर दीजिए। अरे वो अनुभव है, परिवार का एक सदस्य किसी उम्र में होता है तो आपका एसेट है ना, उस रूप में उसकी भूमिका होगी, आप उससे क्या काम ले सकते हैं, उनका क्या योगदान ले सकते हैं, ये तो देखना होगा। तो असहजता तो हुई है ना, पुराने लोग अब भाजपा में गिनने जाइए तो कहाँ कौन मिल पा रहे हैं। हम तो पुराने उस दौर में देखते हैं जो 95 90 में जो चेहरे दिखाई देते थे, अब तो पुराने लोग तो ऐसे नाम के हैं, वो तो कुछ लोग याद हैं तो याद होते हैं, नहीं तो अब तो इतने नए चेहरे हैं, सब भरे हैं, तो ठीक है समय के साथ नए चेहरे आते हैं, लेकिन तमाम तो माने इधर से उधर आयाती चेहरे जो है, अब नीरज कुमार बबलू जो सहरसा सुपौल तरफ से आते हैं, वो कौन थे भाई, अब उनकी छवि आके भाजपा के मशीन में तो धूल करके वो बहुत ही चमकदार हो गए, ऐसी बात नहीं है ना।
आपका प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक छवि का सवाल भी तो होता है तमाम लोग। अब उधर रामा देवी को देख लीजिए, ठीक है ना, जो ब्रज बिहारी प्रसाद का मामला, तमाम लोग तो वही भरे, आप आयात करके ले ले आए हैं, तो आपके पुराने लोगों की जो छवि थी और सब थी तो लोग तो देख रहे हैं सब, है ना। अब रामा देवी को वोट देने के लिए आपके दूसरे जो जातीय खांचे में आप उसको अगर देखेंगे और सब करेंगे तो वोट देने ठीक है, पार्टी लाइन पर आके दे देते हैं, जो आपके आधार वोट जो हैं लोग हैं, लेकिन मन से नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी होता है ना। और उनको लगता है कि ना भाई कोई तीसरा उम्मीदवार ऐसा है कि वो सफल हो जाएगा इसके बगैर भी, तो फिर उधर हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है। तो नीतीश कुमार इसीलिए तो मजबूरी बने रहे हैं, तमाम लोग हैं ना, आप एक तरफ से जो नहीं है ना, कुछ पुराने सांसदों को छोड़ दीजिए या एमएलए को छोड़ दीजिए, तो तमाम लोग तो वहीं भरे पड़े हैं, तो इसका असर तो होता है और इसको देखना चाहिए, और हमको लगता है कि पार्टी देखती भी होगी और इस पर करेगी। और चूंकि अभी आया भी है, चूंकि सचेत किया गया है संगठन के स्तर पर भी, तो आरएसएस के स्तर पर भी, तो पार्टी इसको नजरअंदाज तो नहीं करेगी, इसको देखेगी। बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी, नमस्ते।